डाउन सिंड्रोम से ग्रसित बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए इंदौर जिले में विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस बीमारी से ग्रसित बच्चों को चिन्हित कर उन्हें यूआईडी कार्ड बनाने के साथ ही उन्हें शासन की सुविधाओं का भी लाभ दिलाया जाएगा। ये बात इंदौर कलेक्टर ने विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस के अवसर पर कही। देखिए ये खास रिपोर्ट। इंदौर जिले में विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया गया। गांधी हॉल में आयोजित कार्यक्रम में डाउन सिंड्रोम से ग्रसित बच्चों से अपने हुनर का प्रदर्शन कर बताया कि हम किसी से कम नहीं। बच्चों ने उल्लास के साथ रंगारंग नृत्य एवं सुमधुर गीत संगीत की प्रस्तुतियां दी। डाउन सिंड्रोम से ग्रसित बच्चों के परिजनों को जागरूक करने के उद्देश्य से यह आयोजन किया गया था। आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए कलेक्टर इलैया राजा टी ने कहा कि जिले में डाउन सिंड्रोम से ग्रसित लोगों को चिन्हांकन के लिए सर्वे कराया जाएगा। लोकल लेवल कमेटी के माध्यम से डाउन सिंड्रोम से ग्रसित बच्चों के लिए हेल्थ कैंप, पालक गणों से चर्चा, जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन निरंतर किया जाएगा। उन्होंने हर माह की 25 तारीख को इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। डेफिनेटली आज है वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे है। आज है 21 मार्च को इसलिए भी मनाया जाता है कि बिकॉज ये 21 ट्राइसोमी 21 क्रोमोसोम है, उसमें एक्चुअली 2 के पहले में 3 कॉपीज हो जाता है साइंटिफिकली देखे तो, मतलब इट इज जस्ट है ना गार्ड का ना मैन्युफैक्चरिंग इसमें इशू है तो, बट अदरवाइज हमारे बच्चे सारे गिफ्टेड है। आज हमारे कितने भी पेरेंट्स आए हैं, मतलब है ना पूरा तरीके से उनको वो बच्चे के साथ है ना एक जागरूक पेरेंट्स हैं इस है ना वर्ल्ड है ना डाउन सिंड्रोम डे पे आए हैं। मीटिंग पे हम लोग तय किए थे, हम लोग है ना 21 को इन्हें बहुत अच्छे से इसको सेलिब्रेट भी करेंगे और लोगों को इन्हें बेनिफिट्स है ना देने का काम भी करेंगे। आज भी इन्हें मेडिकल बोर्ड भी हैं इधर, काफ़ी सारे लोगों को इन्हें मेडिकल सर्टिफिकेट्स भी बनाए। निरामया बीमा योजना है, 1 लाख तक है ना हर साल उनकी क्वालिटी हेल्थ केयर के लिए ना फिनेंशियल एड मिलेगा, उसके लेकर भी हम लोगों ने काम किए हैं। लीगल गार्जियनशिप है, उसके लेकर भी ना काम हो रही है। एंड हम लोग ने ये भी किए हैं, बहुत सारे संस्थाएँ हैं, एक डाउन सिंड्रोम ना फेडरेशन ऑफ इंडिया है, उसको इंदौर का ये ना चैप्टर है आज मुझे पता चला है, उनके माध्यम से हम लोग ना सपोर्ट ग्रुप्स हैं, एक सारे पेरेंट्स हैं उनको हम लोग एक ग्रुप में ना जोड़ा जाए, उसमें फिर हमारी ना कितने भी प्रोफेशनल्स हैं, पीडियाट्रिशियंस हैं, थेरेपिस्ट हैं, मतलब इनको है ना सपोर्ट करने की ज़रूरत है, उनका काउंसलिंग करने का ज़रूरत है, उन सारे लोगों को है ना डायरेक्ट एक इंट्रैक्शन है ना इस्टेब्लिश करें, इसके लेकर हम लोग आने वाले समय पे काम करेंगे। एंड उसके अलावा ये भी आज पता चला कि हमारा थेरेपिस्ट और पीडियाट्रिशियन को भी ना ड्यू टू है ना ओवरलोड ओवरबर्डन उनको भी कैपेसिटी बिल्डिंग को है ना जरूरत है। सारे थेरेपिस्ट है ना एक जैसे नहीं होते हैं, उसमें भी इशू हैं, मतलब स्पेशली बच्चे को है ना कितने जल्दी उनको है ना हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, बिकॉज अप टू है ना 5 ईयर्स तक है ना ब्रेन का डेवलपमेंट होता है एंड कितने ईयरली आइडेंटिफिकेशन होता है उतना ईयरली इंटरवेंशन हम लोग है ना कर सकते हैं। समटाइम्स ईयरली इंटरवेंशन को भी बेहतर नॉलेज हो उनकी है ना, स्पीच थेरेपी है जैसे अभी डिस्कशन हो रही थी कि हम समटाइम्स है ना जब बच्चा बोल नहीं पा रहे तो हम लोग है ना सिर्फ 6 ईयर तक ना वेट ही करते रहते हैं इवन बिफोर है ना इंटरवेंशन। सो हम सही टाइम पे सही तरीके से आइडेंटिफाइड हो उनके बहुत अच्छे से इंटरवेंशन पे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना हम डेफिनेटली इंप्रूव कर सकते हैं। आने वाले समय पर 2 अप्रैल भी है वर्ल्ड ऑटिज्म डे है, उसको भी हम लोग है ना काफ़ी अच्छे सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग है ना कोशिश करेंगे। उस दिन पीडियाट्रिशियंस, थेरेपिस्ट और हम साइकोलॉजिस्ट हैं उन सबको भी बुलाकर को भी है ना हम लोग कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए कोशिश करेंगे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से हमने आश्वस्त किया है कि हमारी तरफ से ना कितने भी रिसोर्सेस हैं हम स्पायर कर सकते हैं, पूरा रिसोर्सेस स्पायर करेंगे। इंस्टीट्यूशंस है ना इसके लिए काम कर रहा है, वो सारे इंस्टीट्यूशन के एक प्लेटफॉर्म में लाएंगे एंड एक जैसे कि ना 1 in 700 चाइल्ड है ना मतलब ना डाउन सिंड्रोम होता ही है टाइप का, ऐसे देखो तो हम 6000 के आसपास है ना मतलब चिल्ड्रन यहाँ हो सकता है, तो उसका है ना जल्दी जल्दी आइडेंटिफिकेशन कर दो। यूआईडी आईडी है ना कैसे हम जनरेट करें और गवर्नमेंट स्कीम्स पे जनरली 600 रुपीज़ प्लस डाउन सिंड्रोम के लिए अनदर 600 रुपीज़ 1200 रुपये ना मिलता है, वो भी है ना बहुत सारे पेरेंट्स को है ना जानकारी है ना नहीं पता है कि ना 1200 रुपये मिलता है। सो हम मैक्सिमम है ना चिल्ड्रन तक, मैक्सिमम पेरेंट्स तक है ना एडमिनिस्ट्रेशन पहुँचे। कार्यक्रम में डाउन सिंड्रोम फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से कोऑर्डिनेटर शिल्पा भोलेराम, इंदौर सोसाइटी फॉर मेंटली चैलेंज के अध्यक्ष दिवाकर शाह, सक्षम संस्था के अध्यक्ष विक्रम अग्निहोत्री, अन्य अधिकारी व समाज सेवी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।